देवास जिला कलेक्टर के निर्देश पर बिना मास्क पहने दुकान संचालित करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मास्क नहीं पहनने वालों पर चालानी कार्यवाही की जा रही है। इसी के चलते सोमवार के दिन बागली के चापड़ा चौराहे पर राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्यवाही देखी गई। नायब तहसीलदार प्रतिभा भामर और चौकी प्रभारी जेपी अनुरागी के द्वारा चालान काटे गए। बिना मास्क दुकानें संचालित करने वालों के खिलाफ चालानी कार्यवाही करने चौराहे पर निकली थी, लेकिन दो चार दुकान संचालकों की चालानी कार्यवाही हो पाई। जानकारी लगते ही चौराहे पर खलबली सी मच गई और सभी दुकानदार मास्क पहनकर बैठ गए। जिस पश्चात टीम द्वारा बिना मास्क बाइक के निकलने लोगों के खिलाफ चालानी कार्यवाही की गई, जिनसे बड़ी संख्या में बिना मास्क घूमने वाले लोगों के खिलाफ चालान काटे गए। इस दौरान कई बाइक चालक टीम को देखकर हड़बड़ाहट में संतुलन बिगड़ जाने से गिरते गिरते बचे। उक्त कार्यवाही में 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के चालान बनाए गए। टीम द्वारा सोमवार के दिन एक घंटे की कार्यवाही में 2500 से लगभग के चालान काटे गए। चालानी टीम को देख कर चौराहे पर सभी दुकानदारों में खलबली मच गई थी। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। कार्रवाई की गई है तो कितने चालान यहाँ काटे गए और किस प्रकार की कार्रवाई रही है? सर के निर्देश अनुसार आज हम लोगों ने चापड़ा में जो कोविड के रोकथाम की हेतु कार्रवाई की है, जिसमें 100 रुपये जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया उनके ऊपर 100 रुपये का जुर्माना लगाया है, और जो लोग सार्वजनिक स्थल पर अगर थूक रहे हैं तो उन पर 200 रुपये का, और जिन दुकानदार मतलब दुकान के सामने अगर सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलोअप नहीं हो रहा है तो वहाँ पे 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। आज करीबन हमने 2500 की अभी तक कार्रवाई कर ली, 2500 रुपये का चालान काट लिए हैं और अभी कार्रवाई जारी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।